हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णा प्रश्नाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नित्य नामिने प्रभुपादस्य साहित्यमे अपकाश वितीर्य च प्रचारं कृत्वान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णा प्रश्नाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे। हरे कृष्णा डियर व्यूअर्स, हरि बोल, आप सभी का स्वागत है आज के चैंटिंग सेशन में। हम कर रहे हैं सीरीज ऑन हाउ टू सीरियसली सरेंडर टू कृष्णा। आज है पार्ट 5। यस्टरडे वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पावर ऑफ साधु संगा इन दिस लाइफ ऑफ भक्ति। भक्ति के मार्ग में साधु की जो कृपा है, साधु का जो संग है, वैष्णव का जो संग है, उसके कारण डिवोटीज को बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, जिसके कारण बहुत श्रद्धा डेवलप होती है और वन कैन डेवलप दैट मूड ऑफ सरेंडर। वन कैन सीरियसली एंड सिंसियरली कम टू द लोटस फीट ऑफ भगवान। तो उसी पर आज हम कंटिन्यू करेंगे। We will talk about the mercy of a pure soul, a pure sadhu, a bona fide spiritual master. So, dear devotees, पहले हम करेंगे चैतन्य चरितामृत। We will start from verse number 51. और let us see, maybe we'll be able to do 5 to 10 verses. उसको हम discuss करेंगे। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे टुवर्ड्स द एंड, जिसके आप लिखेंगे रेस्पॉन्सेज, और एट दैट पॉइंट वी विल डिटरमिन इफ देर आर एनी क्वेश्चंस, जिसके बाद हम सब चैंट करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र। हरि बोल, हरे कृष्णा। आई एम ट्राइंग टू सी द नेम्स एंड वेलकम यू ऑल। अनुराग जी, इन्हा जी, मेहर जी, प्रियंका जी, वेलकम। शीबा जी, हरे कृष्णा। ऋषि जी, बीना नायर जी, हरि बोल। शंभु, आशीष, लक्ष्मी शर्मा जी, वेलकम। टिफनी जी, आरम नामदार, गोपाल भगत, बाल कृष्ण जी, हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है, हरि बोल। नाउ द वेदर इज इम्प्रूविंग, इट्स वार्मर देन बिफोर, और वेदर कंडीशंस अलाउइंग, अ लॉट ऑफ यू आर जॉइनिंग अस फॉर दिस वंडरफुल लाइव प्रोग्राम, जिसमें हम काफ़ी लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं हाउ टू चैंट हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करने के लिए हमें एट ए हाई लेवल 3 बातों का ध्यान रखना होता है। वी हैव टू चैंट क्लियरली हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब हम चैंट कर रहे हैं तो हमें करना है लिसन अटेंटिवली, श्रवणम करना है, और हरे कृष्णा का मीनिंग जो है उस पर हमें करना है मेडिटेट, नाम अर्थ चिंतनम। और हरे कृष्णा महामंत्र का मीनिंग क्या है? ओ लॉर्ड कृष्णा, ओ मदर राधे, प्लीज एंगेज मी इन योर डिवोशनल सर्विस। तो ये जो मंत्र है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है, येट बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि ये है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का साउंड वाइब्रेशन। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। एंथोनी जी, अनुसुईया जी, बालकृष्ण जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। सो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, ड्यूरिंग द लाइव अगर हो सके तो प्लीज डू नॉट पोस्ट योर क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस हम टुवर्ड्स द एंड रिस्पॉन्स दे सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे ड्यूरिंग द चैंटिंग। बट व्हेन वी आर डूइंग चैतन्य चरितामृत रीडिंग, उस वक्त आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। एंड एक्चुअली आई रियली एनकरेज यू ऑल टू पार्टिसिपेट, ओके, प्लीज पार्टिसिपेट इन द चैतन्य चरितामृत रीडिंग। बीच बीच में जो मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ उसको आप बुलेटेड प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस। उमेश जी, हरे कृष्णा। शशि यादव जी, संतोष जी, निधि गुप्ता जी, वेलकम, हरि बोल। दम्या जी, हरे कृष्णा। ऑल राइट, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्रेयर्स।
जो हम पढ़ते हैं बिफोर चैतन्य चरितामृत। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। विद्युत रॉय जी, सीमा शराना जी, अभिषेक चौधरी जी, हरे कृष्णा। हाउ इज द वॉल्यूम? हमारा वॉल्यूम ठीक है? कैन समवन कमेंट हाउ इज माय वॉल्यूम एंड हाउ इज द म्यूजिक वॉल्यूम? प्लीज लेट मी नो सो आई मे एडजस्ट इट इफ नीडेड। निधि जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। सो डियर फ्रेंड्स, आइए अब हम कंटिन्यू करें चैतन्य चैतामृत मध्य लीला चैप्टर 22, जिसमें डिस्क्राइब्ड है प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस यानी भक्ति। दैट इज द वे हाउ वी कैन डेवलप अट्रैक्शन टुवर्ड्स द लोटस फीट ऑफ भगवान। हम बात कर रहे हैं हाउ वी कैन सीरियसली सरेंडर टू कृष्णा, हाउ वी कैन सीरियसली कम टू द लोटस फीट ऑफ भगवान, हाउ वी कैन बी एटर्नली हैप्पी, हाउ वी कैन मेक दिस लाइफ सक्सेसफुल, हाउ वी कैन डेवलप द परफेक्ट मूड, द प्रेयरफुल मूड, द ग्रेटफुल मूड व्हेन वी ऑफर द प्रेयर्स। योगिता जी, हरे कृष्णा। अमित कुमार जी, अनुगर जी, हरे कृष्णा। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। द वॉल्यूम इज ओके एज इंडिकेटेड बाई मैनी ऑफ यू। सो एक बार फिर से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चैतन्य चैतामृत की लिंक, सो दैट आप हमारे साथ फॉलो कर सकें। ऑल राइट, हम सरेंडर के बारे में बात कर रहे हैं और एवरी सिंगल पार्ट जब हमने डिस्कस किया है, आज हम पार्ट 5 में हैं। सबसे पहली चीज मैं आपके साथ रिवाइज करती हूँ। देयर आर 6 लिम्ब्स ऑफ सरेंडर। हु रिमेंबर्स दैट? हमने कल भी डिस्कस किया था, प्लीज मेंशन इन द कमेंट। व्हाट आर द 6 लिम्ब्स ऑफ मूड ऑफ सरेंडर, द एटीट्यूड ऑफ सरेंडर? अदा बाला रवि जी, आई डू नॉट स्पीक तेलुगु। निताय सेवनी माता जी गिव्स क्लासेस इन तेलुगु, आई एम अवेयर ऑफ, मे बी यू कैन फॉलो हर क्लासेस। अभिजीत नंदी जी, हरे कृष्णा। बागा सागा जी, हरि बोल, हरे कृष्णा। सो डियर डिवोटीज, हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है सरेंडर के टॉपिक पे। बिफोर वी स्टार्ट फर्दर, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द 6 आइटम्स ऑफ सरेंडर। सो इसको हमने डिस्कस किया था हर सेशन में ऑन सरेंडर। व्हाट आर दीज 6 लिम्स? टू एक्सेप्ट एवरीथिंग व्हिच इज फेवरेबल फॉर प्लीजिंग कृष्णा, accept everything which is favorable for spiritual advancement, accept everything which is favorable for devotional life. Second point, reject everything which is unfavorable for spiritual advancement, things which don't please Krishna. यानी कि materialistic life पूरी उसके अंदर आ जाती है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे item break down करें तो you know living, having only Krishna prasad is one of the items, right? And secondly, for example, association with the devotees. तीसरा point, जैसे सोच के बताइए, you know, being kind to everyone, being compassionate to other living entities. तो इस तरह से आप break down कर सकते हैं, life में काफ़ी सारे activities आप करते हैं which are favorable for spiritual advancement. Now, हमने accept कर लिया, reject कर लिया. तीसरा point, to always depend on Krishna. Okay? So the third point is to always depend on Krishna, being convinced that Bhagwan will give one all the protection. हमें ये understanding more than ever आजकल के times में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जब लोगों को इतना fear है, anxiety है, and they feel helpless. So one of the processes of surrender is one should simply depend on Krishna, convinced that Bhagwan will give all the protection. Ab Krishna will protect his devotee is a fact. Aisa hamare Vaishnavacharyas ne bhi explain kiya aur shastro mein diya hua hai. Jis tarah se for example Nand Maharaj the aur baki jo brajwasi the, unhone is fact ko simply accept kar liya tha, although unhe ye nahi pata tha ki Supreme Lord himself was present before them.
तो और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, इंस्टेंसेस हैं, जिनमें डिवोटी लाइक प्रहलाद महाराज या ध्रुव महाराज हैव बीन पुट इनटू लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इवन बाय हिज फादर, बट हैज बीन सेव्ड अंडर ऑल सरकमस्टेंसेस। सो हमारा ओनली बिजनेस होना चाहिए टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस एंड डिपेंड फुल्ली ऑन कृष्णा। सो एक्सेप्टिंग थिंग्स फेवरेबल फॉर डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस, रिजेक्ट थिंग्स अनफेवरेबल, ऑलवेज बिलीव फर्मली इन भगवान्स प्रोटेक्शन, एंड चौथा फील एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट ऑन मर्सी ऑफ भगवान, फिफ्थ हैव नो इंटरेस्ट सेपरेट फ्रॉम इंटरेस्ट ऑफ द लॉर्ड। और हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान के क्या इंटरेस्ट हैं? पूरी भागवत गीता लोडेड है विद सच पॉइंट्स, सो वन बाय वन विल बी डिस्कसिंग देम ऑल्सो, यू नो, एज वी स्टडी भागवत गीता। सिक्स पॉइंट, ऑलवेज फील वन सेल्फ मीक एंड हम्बल, एंड इन दैट स्टेट ऑफ माइंड वी कैन ऑफर रेस्पेक्ट टू अदर्स एंड चैंट द होली नेम्स प्रॉपरली। तो इस तरह से मूड ऑफ सरेंडर डेवलप करना है, जो कि हम अनइंटेंशनली कैच करते हैं इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो ये सिक्स डिविजन्स हैं सरेंडर के, और भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता में, यू नो, भगवान एश्योर करते हैं कि जो उनको सरेंडर करते हैं फॉलोइंग द गाइडलाइंस, दैट इज द इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग अ लाइफ ऑफ भक्ति, एंड इन दैट वे वी कैन डेवलप फियरलेसनेस, इन दैट वे भगवान विल टेक केयर ऑफ ऑल अवर सिंफुल रिएक्शंस, एंड एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड हाउ शुड बी अवर मूड व्हेन वी एंगेज इन एनी ऑफ द नाइन प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। एंड व्हाट आर द नाइन प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, दास्यम, आत्म निवेदनम। तो आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं चैतन्य चरितमृत की वर्स नंबर 51 इन मध्य लीला। अनलेस वन इज फेवर्ड बाय अ प्योर डिवोटी, वन कैन नॉट अटेन द प्लेटफॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस, टू से नथिंग ऑफ कृष्ण भक्ति, वन कैन नॉट इवन बी रिलीव्ड फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली मेन पॉइंट्स हाइलाइटेड हैं। अगर हमें अटेन करना है परफेक्शन डिवोशनल सर्विस में, इन दिस लाइफ ऑफ भक्ति, अगर हमें अटेन करना है सुप्रीम, अगर हमें अटेन करना है परम गति, देन वी नीड द फेवर, वी नीड द ग्रेस ऑफ ए प्योर डिवोटी ऑफ भगवान, राइट? एंड दैट इज द ओनली वे वी कैन बी रिलीव फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। और पर्पट देखें जरा अगर, तो इसमें मेंशन्ड है कि जो पायस एक्टिविटीज होती है ना, उससे मटेरियल ऑपुलेंस आ सकता है, लेकिन वन कैन नॉट अचीव भक्ति बाय एनी अमाउंट ऑफ मटेरियल पायस एक्टिविटी। चाहे चैरिटी कर लो, बड़े बड़े अस्पताल खोल लो, बड़े बड़े स्कूल खोल लो, बहुत बड़े बड़े चैरिटेबल एफर्ट्स कर लो, डिवोशनल सर्विस केवल आती है बाय कृपा ऑफ अ प्योर डिवोटी, बाय मर्सी ऑफ ए प्योर डिवोटी, और उसके बिना वी कैन नॉट एस्केप द बॉन्डेज ऑफ मेटीरियल एग्जिस्टेंस। तो इस वर्स में महत कैसे एक्सप्लेन किया गया है? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं महत मतलब प्योर डिवोटी। और ये वर्स तो श्रीमद् भागवत गीता में श्रील प्रभुपाद जी रेफर करते हैं, महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता भजन्ति अनन्य मानसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। ओ सन ऑफ प्रथा, दोज हु आर नॉट डिल्यूडेड, मतलब इल्यूजन्स में नहीं होते हैं जो, द ग्रेट सोल्स आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द डिवाइन नेचर, दे आर फुल्ली एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ऐसी प्योर सोल्स की? दे आर ऑलवेज एंगेज इन सेवा ऑफ भगवान, दे नो मी एज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, विथ फर्म फेथ एंड फर्म कन्विक्शन दे नो एंड दे एक्सेप्ट दैट भगवान इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ओरिजिनल एंड इनएक्सॉस्टिबल। तो इस बात की नॉलेज, इस बात का ज्ञान होने से हमें क्या करना है? वन हैज टू एसोसिएट विद सच ए महात्मा,
देखिए, हम साधु संगत करते डिस्कस करते चल रहे हैं कई वर्षे से, और अब बात कर रहे हैं प्योर सोल महात्मा की। हमें लेना है उनका एसोसिएशन, हमें लेना है उनकी शरण, हु हैज एक्सेप्टेड कृष्णा एज सुप्रीम सोर्स ऑफ एंटायर क्रिएशन। एंड विदाउट बीइंग अ महात्मा वन कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णाज एब्सोल्यूट पोजीशन। अगर हमें भगवान के बारे में रियल ऑथेंटिक जेन्युइन नॉलेज चाहिए, वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ सच ए महात्मा। और महात्मा क्या होते हैं? वो रेयर होते हैं, ट्रांसेंडेंटल होते हैं, एंड ही इज अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। फूलिश पीपल कंसिडर कृष्णा एज अ ह्यूमन बीइंग एंड दे कंसिडर लॉर्ड कृष्णाज प्योर डिवोटी एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग टू। तो ये फूलिश माइंडसेट है टू थिंक ऑफ अ प्योर सोल, अ प्योर डिवोटी ऑफ भगवान, टू बी एन ऑर्डिनरी पर्सन। वॉट एवर वन मे बी, वन मस्ट टेक शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ द डिवोटी महात्मा एंड ट्रीट हिम एज द मोस्ट एग्जॉल्टेड वेल विशर फॉर ऑल ह्यूमन सोसाइटी। तो रिकमेंडेशन है, चाहे हमारा जो भी सिचुएशन हो, जिस भी लेवल पे हो हम भक्ति के पथ पर, हमें लेना है शरण शरणागति एट द लोटस फीट ऑफ द डिवोटी महात्मा। एंड उनके प्रति हमारा कैसा बिहेवियर होना चाहिए? वी शुड सर्व द सेंटली, वी शुड ट्रीट हिम एज द मोस्ट एग्जॉल्टेड वेल विशर ऑफ ऑल ह्यूमन सोसाइटी, एंड वी शुड टेक शेल्टर ऑफ सच ए महात्मा एंड आस्क फॉर हिज कॉजलेस मर्सी। वी शुड बेग फॉर हिज कॉजलेस मर्सी। ओनली बाय हिज बेनेडिक्शन कैन वन बी रिलीव फ्रॉम अटैचमेंट टू द मेटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। और उनकी ब्लेसिंग से फिर हमें भगवान की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं, क्योंकि वो हमें रिलीव कराते हैं फ्रॉम मटेरियल कंडीशनिंग, वो हमें एंगेज करते हैं भक्ति में। उनके थ्रू हमें मिलता है फेथ, हमारा फेथ ग्रो करता है, जो कि ट्रांसफॉर्म करता है हमारे हार्ट को, हमारे माइंड को, हमारे सेंसेस को। प्योरिफिकेशन होता है और हमारी लाइफ स्पिरिचुअलाइज होती है। When one is thus relieved, he can engage in Lord's transcendental loving service through the mercy of Mahatma. तो गोल क्या हो जाता है यहाँ पे? To engage in the pure devotional service, and one can engage in Lord's transcendental loving service through the mercy of Mahatma. Hare Krishna. Let me check few comments. Regina, Damya, Hare Krishna. अनुसुईया जी, अनुगर्ग जी, मनीष सक्सेना जी, मौसमी घोष जी, गीता देशा जी, मनीष नीरुधल जी, हरे कृष्णा, हरि बोल निधि गुप्ता जी, राखी असरानी जी, शुक्ला ज्योति जी, हरि बोल, सभी का स्वागत है। आपके कुछ कमेंट्स हैं नीरू जी, रिजेक्टिंग ऑल दैट इज नॉन फेवरेबल फॉर कृष्णा। आपने पॉइंट्स लिखे हैं, वॉट इज सरेंडर, एग्जैक्टली, ऑलवेज डिपेंड ऑन कृष्णा। और उसके बाद मनीष सक्सेना जी का भी कमेंट है, सरेंडर एट लोटस फीट ऑफ भगवान। अनुकर जी, थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग ऑल द लिम्स ऑफ सरेंडर। मुझे पहले चेक करना चाहिए था, आप सभी ने रिस्पॉन्सेस लिखे थे, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। दामिया जी ने भी और सेल्फलेसनेस ऐड की है, विच ऑटोमेटिकली डेवलप्स एज अ डिवाइन क्वालिटी व्हेन वन प्रोग्रेसेस ऑन द पाथ ऑफ सरेंडर टू कृष्णा। अमित दत्ता जी, ब्रजेश जी, अशोक कुमार जी, हरे कृष्णा, रतन जी, मैथ्यू जी, लता जी, हरे कृष्णा, हरि बोल, वेरी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स डियर व्यूअर्स। इसी तरह आप पार्टिसिपेट करते चलिए, उसके कारण क्या होगा? यू विल बी अटेंटिव, यू विल बी मोर माइंडफुल अबाउट दिस टीचिंग्स वी आर डिस्कसिंग, एंड दैट्स ऑल आई वॉन्ट। We all want to do the Shravanam and Kirtanam together so that we can do the Smaranam whenever, at all times, I guess I should say always, constantly. That's what Srila Prabhupada wanted. Hari Bol, Lata Bhatia Ji, Raj Chaudhary Ji, Hare Krishna. Let's come to verse number 52. O King Rahu Gana, और ये जो particular हम अभी verse पढ़ रहे हैं, ये response दिया था King, ये response दिया था जड़ भरत ने टू किंग रहुगुणा, जिसकी डिटेल्स पास्ट टाइम की पूरी है श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 में। जड़ भरत जो है वो एक्सप्लेन करते हैं किंग रहुगुण को, हाउ ही अटेंड परमहंस स्टेज। किंग रहुगुण ने उनसे पूछा था कि आपने परमहंस स्टेज कैसे अटेंड की? तो द किंग हैड कॉल्ड हिम टू कैरी हिज पालकी, बट वेन द किंग हर्ड फ्रॉम परमहंस जड़ भरत अबाउट द सुप्रीम फिलोसफी, He expressed surprise and asked Jad Bharat,
how he had attained such great liberation. At that time, Jad Bharat informed the king how to become detached from material attraction. क्यों डिटैच होना है मटेरियल अट्रैक्शन से? बिकॉज इट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल वीकनेसेस इन अवर हार्ट. इट इज द रीजन वी मिस आइडेंटिफाई विद द बॉडी. वी डोंट डेवलप द अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर द इटर्नल सोल्स. दैट्स अवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन इन सर्विस ऑफ भगवान. इन सब का रूट प्रॉब्लम है टू बी मटेरियली कंडीशन टू आइडेंटिफाई विद द बॉडी. इसलिए हमें डिटैच होने की जरूरत है from material attraction, and actually we have to become attracted, we have to develop attraction and attachment to Bhagwan, to the lotus feet of Bhagwan. So jo verse hai, it says, O King Rahuguna, without taking upon one's head the dust from lotus feet of pure devotee, a Mahajan or a Mahatma, one cannot attain devotional service. Devotional service is not possible to attain simply by undergoing severe austerities and penances, by gorgeously worshipping the deity, or by strictly following the rules and regulations of sannyas or grihastha order. Nor is it attained by studying the Vedas, submerging oneself in water, or exposing oneself to fire or scorching sunlight. तो आप तो जानते होंगे, खासकर जो लोग इंडिया में रहते हैं, कि लोग कितनी कठिन सीवियर ऑस्टेरिटीज फॉलो करते हैं. यू नो, दंडवत परिक्रमा करते हैं, अपने आप को भी काफ़ी कोड़ों से मार लगाते हैं, आग के अंगारों के ऊपर नृत्य करते हैं भगवान को प्लीज करने के लिए. कई कई दिनों तक फास्टिंग चलती है एट ए स्ट्रेच, यानी कि कोई हद नहीं है. बहुत सारे मोटिव्स के साथ लोग इस तरीके की ऑस्टेरिटीज करते हैं. तो यहाँ बताया गया है डिवोशनल सर्विस इस तरीके से सीवियर ऑस्टेरिटीज एंड पेनेंसेस से अटेन नहीं की जा सकती, या फिर शोशाबाजी, गॉर्जियसली वर्शिपिंग द डीटी, या फिर बहुत ही डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट तरीके से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना ऑफ सन्यास गृहस्थ ऑर्डर, या फिर बहुत ही स्कॉलर बन जाना वेदास, सबमर्जिंग वन सेल्फ इन वाटर, और इस तरह की चीजें. प्योर भक्ति या डिवोशनल सर्विस मिलती है बाय टेकिंग ऑन वंस हेड द डस्ट फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ अ प्योर डिवोटी. उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है बाय टेकिंग शेल्टर. एंड व्हाट इज मेंट बाय टेकिंग शेल्टर और सरेंडर? व्हाट इट मींस इज बाय सर्विंग अ सेंटली प्योर सोल, बाय ऑफरिंग ओबेसेंसेस टू देम एंड फॉलोइंग देयर इंस्ट्रक्शंस, बाय टेकिंग देयर इंस्ट्रक्शंस टू द हार्ट, by developing attraction and attachment to their instructions and following them in the life. This is how one takes the dust on their head from the lotus feet of a pure devotee. Hari bol. To is waqt mera aapse ek question hai before we move forward. केवल इस अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप में से बहुत से लोग हमें सीरियसली और अटेंटिवली लिसन कर रहे हैं, और आपके भी बहुत रिफ्लेक्शंस होंगे. आपसे एक क्वेश्चन है एट दिस पॉइंट, हाउ कैन वन अटेन द डिवोशनल सर्विस? केवल छोटा सा क्वेश्चन है, उसका आप वन वर्ड या वन सेंटेंस या मोर देन वन सेंटेंस रिस्पॉन्स लिख सकते हैं बेस्ड ऑन जो वर्सेस हमने आज डिस्कस की हैं और जो कल डिस्कस की थी. चैतन्य चैतामृत मध्य लीला चैप्टर 22, हम कर रहे हैं वर्स नंबर 52, और हमने अभी अभी डिस्कस किया व्हाई इट्स सुपर इम्पोर्टेंट टू टेक द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ अ प्योर सोल, अ प्योर डिवोटी, अ महात्मा, टू मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, टू कम टू कृष्णा, टू सरेंडर सीरियसली टू कृष्णा. तो हमारा आपसे क्वेश्चन है, हाउ कैन वन अटेन भक्ति, हाउ कैन वन अटेन डिवोशनल सर्विस? Please write your responses in the comments. I would love to see your responses. Raj Chaudhary, Hare Krishna, Tiffany, Sandhya Ji, Hari Bol. Sabhi ko Hare Krishna, jinhone hame greetings likhi hain. I'm very happy to see your comments. Very happy to see you participate. Hari Bol. While you write your responses, let me share something else with you. To. पहले के चैप्टर्स में और इधर उधर रेफरेंसेस जो हैं, चैतन्य चैतामृत, श्रीमद् भागवतम, उसके कुछ रेफरेंसेस आपके लिए लाई हूँ जो मैं शेयर करना चाहती हूँ.
एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको अपनी लाइफ का मैं बताऊं। बहुत वर्षों की पहले की बात है, जब हम सीरियसली यू नो सीरियस हो रहे थे, वी वर लर्निंग अबाउट कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी, वी स्टार्टेड टू अटेंड ऑल दीज प्रोग्राम्स, भागवत गीता स्टडी, यू नो श्रीमद् भागवतम के लेक्चर्स, एंड वी वर वेरी फैसिनेटेड विद द दर्शन ऑफ भगवान इन द टेम्पल, द कृष्ण प्रसाद, एंड माई हस्बैंड ही रियली इज वेरी फैसिनेटेड विद कृष्ण प्रसाद एंड कीर्तनम, यू नो सिंगिंग एंड डांसिंग, एंड मच लेटर ऑन वी स्टार्टेड ड्यू टू डिवोटीज कृपा, ड्यू टू साधु संगा, दे एंगेज्ड अस इन सेवरल इवेंट्स, यू नो फास्टिंग फेस्टिवल्स, फीस्टिंग एंड ऑल दैट. And then eventually, you know, it so happened that we started listening and having association of various sannyasis in ISKCON. And and we really loved to listen the Krishna Katha. And we did not have the realization that how that Krishna Katha, Krishna Prasad and Sadhu Sangha was slowly transforming our hearts. It was slowly transforming our lives. And actually, because we had so much enthusiasm also developing, we really love to go on big book distribution trips also, you know, books distribute karte the to the western people. Since we were in America, we were distributing books to some people from India also if they came to us, but mostly it was western people who knew nothing about Krishna. So we were loving to share the philosophy of Bhagavad Gita with them in brief at a high level, you know, helping them understand these are the books on yoga and meditation, these can help you de-stress and transform your lives. And there were some really pure souls jo keval itna sunne matre se hi Bhagavad Gita le lete the, Prabhupada ji ki small books mein interest aa jata tha unka. And then in this way what happened was, while we engaged in these kind of services baki devotees ki help se, slowly it purified us also, and it still does, because this is a journey. This is a journey to Krishna. This doesn't just end any time. This is an ongoing journey. तो इस तरीके से धीरे धीरे सरेंडर का मूड डेवलप होता है. वी डेवलप मोर एंड मोर ईगरनेस एंड सिंसेरिटी. अवर मटीरियल डिजायर्स दे स्टार्ट गेटिंग ट्रांसफॉर्म टू स्पिरिचुअल डिजायर्स विद रिस्पेक्ट दैट we want to do things to please Krishna. And then we learn more how we should do all these services with love, with preeti. Prabhupada would say preeti purvakam. So you know, kyunki Bhagwan to all powerful hai, and by his grace his pure devotee can be as powerful as he may desire, and there is no limit to it. ये श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है. तो कई बार एक्सपीरियंस ऐसे होते थे, यू नो, कि हम गए हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वी आर ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट भागवत गीताज, बट नो वन इज टेकिंग. बट देन वी वर लर्निंग इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज हाउ वी शुड कीप दैट फेथ, हाउ वी शुड कॉन्स्टेंटली कीप दैट प्रेयरफुल मूड, दैट मूड ऑफ सरेंडर. कृष्णा प्लीज मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज थ्रू मी that Bhagwan is distributing this knowledge, this love, this mercy to the genuine souls who are interested. So, and in those moments, you know, when we engage in some kind of seva, that is when we have realizations ki how insignificant we are, and that Bhagwan can do anything through his devotees. So Hare Krishna, let me see some of your comments. If you have responded to my comment, how can you attain devotional service? That was my question. Has anybody responded to it? Let me quickly check. अनुग्रह जी, आपके हम पिछले सरेंडर के सिक्स लिम्स के पॉइंट पे थे. मोनिका जी ने भी लिखा है, फॉलोइंग द पाथ शोन बाई प्योर डिवोशनल स्पिरिचुअल गुरु एंड चैंटिंग महामंत्रा. यस मोनिका जी, when you follow in the footsteps of Vaishnava Acharyas, that is how you attain devotional service. And the more sincerely we follow the instructions, the more purity we get in our seva. Asha Sahu ji, Sam Singh ji, Ramdhan ji, Raj Chaudhary ji, by Shravanam and Kirtanam, by eating prasadam, by continuously chanting Maha Mantra. Yes, Raj Chaudhary ji, these are the processes. But most important thing is,
we attain devotional service by taking the dust of the lotus feet of a pure soul, a pure devotee on our head. Which means, जैसे कि मोनिका जी ने कहा, we need to take shelter, we need to surrender to a pure soul, and then we need to follow their instructions. जीत रावल जी, जयदेव मंडल जी, हरे कृष्णा गीता देशा जी, हरी बोल, मैं भगवान लिसन टू योर प्रेयर गीता देशा जी, जरूर ऐसा ही होगा. यू आर मेकिंग अ पिटिशन टू भगवान एंड भगवान विल सर्टेनली लिसन टू इट. हरी बोल, हरे कृष्णा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्स, टेक्स्ट नंबर 53. डियर व्यूअर्स, जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है, हम कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 22 में वर्स नंबर 53, और हम डिस्कस कर रहे हैं द सब्जेक्ट ऑफ हाउ टू सीरियसली सरेंडर टू कृष्णा. Unless human society accepts the dust of the lotus feet of great Mahatmas, devotees who have nothing to do with material possessions, Mahatmas ko bataya gaya hai, devotees who have nothing to do with material possessions, mankind cannot turn its attention to the lotus feet of Krishna. Those lotus feet, aise Bhagwan ke lotus feet kaise hote hain? Those lotus feet vanquish all the unwanted miserable conditions of material life. तो यहाँ पे lotus feet of great Mahatma बताया गया है, lotus feet of भगवान बताया गया है. दोनों के ही केस में हमें अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि ये जो lotus feet होते हैं जिनकी हम शेल्टर लेते हैं, they remove, they vanquish unwanted miserable conditions of material life. And what are these miserable conditions of material life? They are due to three modes of nature and due to birth, old age, death and disease. तो परपट में यही बताया गया है कि ये जो वर्स है ना, ये कैंटो 7 से है. कैंटो 7 में है प्रहलाद के पास टाइम नरसिंहदेव जी के साथ, और अभी नरसिंहदेव अपीयरेंस डे इज अराउंड द कॉर्नर. नेक्स्ट ट्यूसडे को लॉर्ड नरसिंहदेव का अपीयरेंस डे है. तो यू नो, काफ़ी डिवोटीज अराउंड दिस टाइम दे लव टू रीड अबाउट द नरेशन हाउ लिटिल प्रहलाद, ही वॉज कॉन्स्टेंटली एंगेज इन भक्ति, ही वॉज कॉन्स्टेंटली डूइंग विष्णु स्मरणम, ही वॉज ऑल्सो डूइंग कीर्तनम, ही वॉज ग्लोरिफाइंग द लॉर्ड एंड ही वॉज इंस्पायरिंग ऑल द डिमोनिक चिल्ड्रन, ऑल द डिमोनिक पॉपुलेशन टू टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड नरसिंहदेव. And actually, if we take shelter of Bhagwan, if we take shelter of Lord Narsingadev and pray to please remove, vanquish all the inauspicious things within our hearts, to aisa faith hona chahiye ki Bhagwan will personally protect us and give us the fearlessness. So this verse appears in Srimad Bhagavatam Canto 7. When the great sage Narad was giving instruction to Maharaj Yudhishthir, he narrated the activities of Prahlad Maharaj. तो ये section जो verse हमने पढ़ी है, ये संवाद है between नारद मुनि, और वो instruction दे रहे थे युधिष्ठिर महाराज को. और ये जो verse है, it was spoken by Prahlad Maharaj to his father. Prahlad Maharaj के father कौन थे? Hiranyakashipu, king of demons. Prahlad Maharaj अपने father को inform किया था नवविधि भक्ति, 9 process of devotional service, और एक्सप्लेन किया था कि जो भी इस तरह से 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस में एंगेज करते हैं उनको हाईली लर्नेड माना जाना चाहिए. हिरण्यकशिपु लेकिन इस उनको ये पसंद नहीं आया, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उनके पुत्र ने भक्ति की बात की है. देयरफॉर उन्होंने प्रहलाद के जो टीचर थे उन्हें संद को बुलाया और बोला कि टीचर से पूछा कि उनका पुत्र इस तरह से क्यों भक्ति की टॉक कर रहा है. तो टीचर ने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने प्रहलाद को नहीं सिखाई डिवोशनल सर्विस भक्ति की टीचिंग्स, बट दैट द बॉय वाज नेचुरली इंक्लाइंड दैट वे. अब वो हमें प्रहलाद के पास टाइम से पता है कि उनकी मदर कायाधु जो थी वो नारद मुनि के साथ आश्रम में उन्होंने जब श्रवण किया था तो जो उनके वूम में चाइल्ड था प्रहलाद, बिफोर हिज बर्थ ही बिकेम भक्त due to purification of the teachings he got from Narad Muni. At that time Hiranyakashipu बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने प्रहलाद से कहा कि वो
वैष्णव क्यों बन गया है? और उस क्वेश्चन का प्रहलाद महाराज ने आंसर देने के लिए इस वर्स से रेस्पॉन्स किया कि वन कैन नॉट बिकम लॉर्ड्स डिवोटी बिना भगवान की मर्सी, बिना किसी एग्जॉल्टेड महात्मा की मर्सी और ब्लेसिंग्स के वन कैन नॉट बिकम लॉर्ड्स डिवोटी। तो ये बैकग्राउंड है इस वर्स का। तो जो हमने पहले आप सभी से क्वेश्चन किया, हाउ कैन वन अटेन डिवोशनल सर्विस, आई होप ये वाली वर्स और फर्दर हम सभी को इंसाइट प्रोवाइड करती है। इट्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इन द प्रोसेस ऑफ सरेंडरिंग टू भगवान वी हैव टू फर्स्ट सरेंडर टू अ प्योर डिवोटी, टू अ प्योर सोल, टू अ महात्मा हु हिमसेल्फ अंडरस्टैंड्स भगवान, हु हैज फर्म फेथ इन भगवान एंड हु कैन गिव कृष्णा टू अस, हु कैन ट्रेन अस हाउ टू डू भक्ति। टेक्स्ट नंबर 54, बिफोर वी गो देयर लेट मी चेक योर कमेंट्स। हरे कृष्णा। कनिका जी हरि बोल, एम एन प्रसाद जी, जीत रावल जी, यस ट्रू भक्ति ऑफ प्रहलाद, गीता जी, द लोटस फीट ऑफ भगवान आर द बाम एंड कम्फर्ट इन अवर टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। एग्जैक्टली, इन करंट टाइम्स में तो कोविड के कारण सभी दहशत में हैं। मैनी ऑफ अस आर लूजिंग अवर लव्ड वंस, कितना डिस्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, ग्रीफ है। तो जब हम ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो हमें अवेलेबल है बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद्स मर्सी, शिला प्रभुपाद स्वयं महात्मा हैं, द ग्रेट भागवत है, जिनकी कृपा से हमें जो भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत के जो पर्पट्स अवेलेबल हो गए हैं, जिससे हम क्लोजली अब रिलेट कर सकते हैं एंड वी कैन फाइंड सम सोलेस, वी कैन फाइंड सम कम्फर्ट इन सच टाइम्स। सो वी शुड बी रियली रियली वेरी ग्रेटफुल। ये भगवान की ही कृपा है विच हैज कम टू अस थ्रू शिला प्रभुपाद एंड अवर स्पिरिचुअल मास्टर्स, अवर शिक्षा गुरुज, हु आर राइटिंग ऑल द कमेंट्रीज, हु आर राइटिंग फर्दर एक्सप्लेनेशंस ऑन दिस पर्पस। Matthew says, by serving the servant of the servant of Krishna, who is a representative of Lord Krishna, you attain bhakti like that. Yes, Matthew, thank you so much for your answer. All right, so let's move forward. So comforting and blessed to feel Bhagwan chose us. Yes, Kamal Patel ji, Hare Krishna. Let's go to verse number 54. The verdict of all revealed scripture is that even by a moment's association with a pure devotee, one can attain all success. ये verse 54 बहुत ही famous verse है, इसको mark कर लीजिए और memorize कर लीजिए। ये है power साधु संगा का, pure devotee का। साधु संगा सर्व शास्त्र कया, लव मात्र साधु संगा सर्व सिद्धि हया। According to astronomical calculations, love का मतलब है 1/11th of a second. Hare Krishna, let me share something more with you all. तो जो जीवा गोस्वामी थे, in line of our Vaishnava Acharyas, उन्होंने अपनी बुक भक्ति संदर्भ में explain किया है कि जो spiritual advancement होती है ना, it begins from moment one attains such एसोसिएशन विदाउट एनी एफर्ट। और श्रीमद् भागवतम में दिया गया है कैंटो 10 में, दैट व्हेन वन इज फेस टू फेस विद अ साधु, अ डिवोटी हु इज फुल्ली डिटरमिन्ड एंड सरेंडर्ड। क्या चीजें चाहिए? डिटरमिनेशन एंड सरेंडर मूड टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वन विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू मटीरियल बॉन्डेज। ऐसा कैसे हो सकता है? Because by association, the sadhu will, show us. We will learn from observing the life of sadhu. By observing their spiritual activities, by observing any material activities which our material senses can see, we will come to the conviction how the sadhu is determined and surrendered to Bhagwan. और इसी रिगार्ड में शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है ना, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर ले लेता है जो भी उसकी प्रॉक्सिमिटी में होता है,
regardless of the hue, shine of the object. और फायर, जैसे फायर इज ऑलवेज फायर, शिला प्रभुपाद कहते थे, एंड इफ समवन टचेस द फायर नोइंगली और अननोइंगली, फायर विल एक्ट इन इट्स ओन वे विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. तो यही पावर है मैजिक है साधु संगा का, एसोसिएशन ऑफ ए प्योर सोल. वी डेवलप द प्योरिटी, वी डेवलप द फेथ, वी डेवलप ऑल द डिवाइन क्वालिटीज by engaging in bhakti with them. They engage us in bhakti with the, when we take the dust of the lotus feet of the Mahatma on our head, that's when the magic starts in the life of bhakti. तो आपको पता है संगा वर्ड जो होता है ना, वो उसको स्प्लिट अगर करें, स अंगा मतलब टू बिकम द पार्ट ऑफ अदर पर्सन अटैच्ड एज इफ लिम्ब, यानी कि अंगा ऑन द बॉडी. सो द वर्ड संगा डिराइव्स फ्रॉम द रूट वर्ड संज, विच मीन्स एडहीशन, डेडिकेशन और डिवोशन. तो इस तरह से अगर हम वर्ड को ब्रेक डाउन करके थोड़ा डीपली समझ लेते हैं, तो हमें अल्टीमेट एनालिसिस करना आ जाएगा कि संगा गोज बियॉन्ड जस्ट सीइंग द सीइंग और बीइंग इन प्रेजेंस ऑफ समवन. It refers to intimate exchange, which in the current context takes place when the interior of sadhu deeply interacts with the interior of recipient. Loving exchange hota hai, you know, there is a mutual exchange which happens. This generally occurs via transmission of sound. And you know which sound we are talking about? This is the chanting of the holy name. And receiving spiritual instruction are at the heart of true sadhu sangha. So sadhu sangha mein kya activities karte hain hum? Shravanam and kirtanam. We do hearing and chanting the glories of Bhagwan, the glories of the holy name. So in the end, sadhu sangha is when two hearts unite for higher spiritual purpose. तो इस तरीके से हमारे और भी वैष्णव आचार्य ने बहुत ब्यूटीफुल बातें बताई हैं साधु संघ के बारे में, अबाउट सरेंडरिंग एट द लोटस फीट ऑफ ए प्योर सोल. श्रील रूपा गोस्वामी हैं, वो कहते हैं थ्री वेज बताते हैं टू फैसिलिटेट सच ट्रांसेंडेंटल एक्सचेंज. सो उन्होंने बोला है, वन शुड सर्च आउट द डिवोटीज हु आर ऑफ द सेम माइंड सेट एज वन सेल्फ. ठीक है. और दूसरी बात, मोर एडवांस देन वन सेल्फ. तो ऐसे डिवोटीज को ढूंढिए जो आपके जैसे सेम माइंड सेट के हों, मोर एडवांस्ड हों एंड अफेक्शनेटली प्री डिस्पोज हों टू वन सेल्फ. और इन तीनों के लिए वर्ड्स बताए गए हैं, सजती या सेम माइंड सेट. मोर एडवांस देन वन सेल्फ मतलब अशाय, और अफेक्शनली प्री डिस्पोज मतलब स्निग्ध. तो जब इस तरीके का एसोसिएशन मिलता है, देन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट बहुत अच्छी तरह होती है. सो दैट बीइंग सेड, द मेयर प्रेजेंस ऑफ होली पर्सन क्रिएट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन अवर कॉन्शियसनेस एंड अवर हार्ट. और उससे क्या होता है, वन कैन क्विकली गो बियॉन्ड सिंपल प्रॉक्सिमिटी. ठीक है. तो एसोसिएशन विद डिवोटीज लीड्स टू टेस्ट फॉर hearing transcendental topics and affords an opportunity to serve them and thus Krishna. So what are the things which happen in the association of devotees, in the association of a pure soul? It leads to a taste for hearing transcendental topics and it affords an opportunity to serve them. So Shri Jiva Goswami inhi thoughts ko bolte hain. कैंटो वन में दिया गया है. वो कहते हैं, ओ ट्वाइस बॉर्न सेजेस, बाय सर्विंग दोज डिवोटीज हु आर कंप्लीटली फ्रीड फ्रॉम दिस, फ्रॉम ऑल द वाइसेस, ग्रेट सर्विस इज डन. जस्ट डिवोटीज के एसोसिएशन से, उनकी सर्विस से क्या होता है, ग्रेट सेवा की अपॉर्चुनिटी मिलती है. एंड बाय सच सर्विस वन गेन्स एफिनिटी. क्या डेवलप होता है, वी डेवलप एफिनिटी फॉर हियरिंग द मैसेज ऑफ वासुदेव, कृष्णा वासुदेव.
Jiva then goes to explain the progression from basic faith to love of God. ये कैंटो वन में है, ठीक है? तो जो progression of faith as it happens, वो भी टॉपिक पर हम आएंगे, but let us go and check your messages and then go to next verse. साधु संघ इज मोस्ट पावरफुल एज ए मोटिवेशन टू एंगेज इन डिवोशनल सर्विस टू भगवान. गीता जी ने मेंशन किया है कमेंट्स में, दैट्स वंडरफुल. चैंटिंग ऑफ महामंत्र. एमिली वेलकम. जय शिव हरे. हरि बोल. सभी का बहुत बहुत स्वागत है और दिस इज रियली वंडरफुल. यू ऑल हैव बीन कमेंटिंग थ्रू आउट एंड आई एम जस्ट सीइंग योर कमेंट्स. दिस इज अमेजिंग अमेजिंग. यू ऑल आर बीइंग वेरी अटेंटिव. दिस इज ब्यूटिफुल. दिस इज द पावर ऑफ साधु संगा. वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट हाउ वी शुड अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस. एंड ऑल्सो देखिए, हम सब इतने एंथुजियास्टिक हैं, इतने डिजायरस हैं एंड ईगर हैं. वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ शुड वी सिंसियरली एंड सीरियसली सरेंडर टू कृष्णा, इजंट इट? एंड साधु संगम में वी आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी. वंस वी लर्न अबाउट इट एंड देन वी कैन एग्जीक्यूट द डिवोशनल सर्विस. आज जिन्होंने जीवतत्व प्रभु जी की श्रीमद् भागवतम क्लास अटेंड की थी, वो श्रीमद् भागवतम क्लास का एक्चुअली टाइटल है, इट इज़ फ्रॉम कैंटो 3 चैप्टर 28. The title of the chapter is Kapila Dev. Lord Kapila instructs his mother on execution of devotional service. तो ये जो chapter है process of devotional service and वो chapter है execution, and they really complement each other. And association of devotees taking the dust of the lotus feet of the pure devotee of the Lord on our head. इन सब चीज़ों को आप अगर बिग पिक्चर में देखेंगे, इट विल परफेक्टली मेक सेंस टू यू एंड इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन प्लीज कृष्णा एंड डेवलप दैट ब्यूटिफुल मूड ऑफ सरेंडर बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ अ डिवोटी. हरि बोल. मोनिका ग्रोवर जी, गीता जी यू आर बैक. मोनिका जी ने लिखा है, फॉलोइंग द पाथ शोन बाय प्योर डिवोशनल स्पिरिचुअल गुरु एंड चैंटिंग माँ मंत्र. यू आर मेंशन अर्लियर ऑल्सो. अनुज जी, हरे कृष्णा. लक्ष्मी शर्मा जी, हरि बोल. All right, let's go now to verse number 55. The value of a moment's association with the devotee of the Lord cannot be compared even to the attainment of heavenly planets. Dekhiye, itna rare and precious hai the value of a moment's association with the devotee of the Lord. Kyun? Aage padhte hain. So, it cannot be compared even to the attainment of heavenly planets or liberation from matter, what to speak of worldly benedictions in the form of material prosperity, which is for those who are meant for death. ये quotation है श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 से, और ये verse बताती है जो लोग follow करते हैं Vedic rites and sacrifices. It concerns the Vedic rites and sacrifices performed by great sages of Naimsharanya headed by Shaunak Rishi. The sages pointed out that the association with the devotee for even less than a second is beyond comparison to a thousand Vedic rituals and sacrifices, elevation to heavenly planets or merging into the existence of Supreme. तो इस तरीके से जो different indirect paths होते हैं ना भगवान तक जाने के, उनको भगवान ने भगवद गीता में भी फुलिश माइंडसेट बताया है, अनइंटेलिजेंट बताया है. सो वन हु इज सीरियसली डिजायरिंग यू नो टू हैव द प्रोटेक्शन एट द लोटस फीट ऑफ भगवान, वन हु सिंसियरली वांट्स टू डिपेंड ऑन कृष्णा, वन हु सीरियसली वांट्स टू मेक द राइट चॉइसेस इन देयर लाइफ, सच चॉइसेस विच हेल्प देम इन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट and the choices which can save them from further miseries of materialistic life. If one is looking to develop those divine qualities, one wants to be kind to other living entities, one wants to develop tolerance, one wants to develop that humility. So in all these cases is a need to associate with the like-minded people, to associate with the sadhus, with the devotees of the Lord, who by the virtue of their association will bring a major transformation in our lives. They will help us understand the glories of the holy name. They will help us understand that Krishna is the supreme, that how we should develop strong faith in will of the Lord.
that how we should develop the taste for doing the seva, how we can do the seva with love and devotion, priti purvakam, with utsah, with enthusiasm, with determination. So these are some of the things if we want to make the right choices and live a fulfilling life of bhakti, and in the end, if we want to remember Krishna. Antakale cha mameva, apne final exam, death ke samay, if we want to be in remembrance of Bhagwan, then one should accept the dust of the lotus feet of the pure devotee of the Lord. Kyunki ek moment bhi association with the devotee of the Lord is so potent and powerful, it cannot be compared to jo bhi listed categories yahan likhi hain is verse mein. Aur ye jo categories hain, they are for the people who are looking for benedictions, materialistic benedictions, and ye sab un logon ke liye hai jo cycle of birth, old age, death, disease mein hi fase rehne wale hain. They are never going to get out of the miseries of birth, old age, death, disease, being in the material in this materialistic existence, as long as they are in this materialistic consciousness. So association of devotee helps us come to Krishna consciousness. Krishna consciousness is the remedy to all kind of miseries. Hari bol. So we just did verse number 55. Let me check your comments and then we'll go to verse number 66. हरी बोल. मैथ्यू, जानकी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं. यस, आज सीता माता का अपीयरेंस डे है. यहाँ यूएस में वैष्णव कैलेंडर के एज पर द डेट्स देयर, एंड टुमारो इन इंडिया दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, एंड मेनी मोर कंट्रीज. सो अ लॉट ऑफ यू नो ब्लेसिंग्स फॉर एवरीवन फ्रॉम द लाइफ ऑफ सीता देवी. यशोदा, let me think of those lines. Okay. Ayodhya Vasi Ram, Ram Ram, Dashrath Nandan Ram, Ram Ram, Janaki Jeevan, Sita Mohan Ram Ram, Ayodhya Vasi Ram, Ram Ram, Dashrath Nandan Ram Ram Ram, Ayodhya Vasi Ram, Ram Ram, Dashrath Nandan Ram Ram Ram, पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम राम राम, पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम राम राम. हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर मेंशनिंग श्रीमती सीता देवी अपीयरेंस डे की. जय हरि बोल. सो जीत रावल जी, हम जिस बुक से रीड कर रहे हैं उसका नाम है श्री चैतन्य चरितामृत. उसकी लिंक हमने पहले भी शेयर की, अभी एक बार फिर से शेयर कर देते हैं. वी आर इन मध्य लीला चैप्टर 22. ऑलराइट, सो हियर इज द चैप्टर, और इस वक्त हम करने वाले हैं वर्स नंबर 56. आई वॉन्ट एवरी वन टू क्विकली स्क्रॉल डाउन, कम टू वर्स नंबर 56. शैलजा रॉय जी, हरे कृष्णा, सो नाइस टू सी योर कमेंट. दिवाकर पॉल जी, हरे कृष्णा. गीता देशा जी, आपने डिवाइन क्वालिटीज मेंशन किए हैं, सिंप्लिसिटी, डिटर्मिनेशन, एंथुसियाज्म, ह्यूमिलिटी. वंडरफुल, थैंक यू फॉर लिस्टिंग द बुलेटेड पॉइंट्स. धीरज भोमा जी, हरे कृष्णा. संध्या रघुनाथ जी, निधि गुप्ता जी, अनुज के मिश्रा जी, हरे कृष्णा. सो यस, भगवान इज पतित पावन, एंड वी आर रीडिंग फ्रॉम वर्स नंबर 56.
I have some hot water here today, so that's helping me. So thank you to Geeta ji. Kal unhone mujhe kafi achhi tarah suggestions diye, so my throat is little better today. So we should follow whatever is needed to keep our physical condition suitable, so we can engage in bhakti. Text 56. Krishna is so merciful that by aiming his instructions at Arjun, he has given protection to the whole world. Now, why does Krishna say, why is it mentioned here कि भगवान इतने merciful हैं कि उन्होंने जो अर्जुन को instructions दिए उसके कारण उन्होंने पूरे world को protection दिया? Who can comment on this? I would like to see. और भगवान के क्या instruction हैं? Next verse 57-58. Let me read that as well. और उसके बाद हम check करेंगे आपसे जो हमने क्वेश्चन पूछा है. कृष्णा इज सो मर्सीफुल दैट बाय सिंपली एमिंग हिज इंस्ट्रक्शंस एट अर्जुन ही हैज गिवन प्रोटेक्शन टू द होल वर्ल्ड. ऐसा यहाँ पर ऑथर ने क्यों बोला है? एक्चुअली यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ये प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस बता रहे हैं सनातन गोस्वामी जी को, तो वो बता रहे हैं. और यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्स है उसमें दिया गया है, because you are my very dear friend, I am speaking to you my supreme instruction, the most confidential knowledge of all. ये भगवान कृष्ण के words हैं to Arjun, जो कि chapter 18 भगवत गीता में है, verse number 64-65. Hear this from me, for it is for your benefit. Always think of me and become my devotee. Worship me and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रॉमिस कर रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं, हाउ अर्जुन कैन कम टू भगवान एंड थ्रू भगवान्स मैसेज किसको मिल रही है ये नॉलेज? जो भगवान ने भगवद गीता में टीचिंग्स दी हैं, हम सभी को मिल रही है ये नॉलेज, पूरी ह्यूमैनिटी को मिल रही है, पूरे वर्ल्ड को मिल रही है नॉलेज कि हाउ वी कैन कम टू भगवान विदाउट फेल, अनफेलिंग. और भगवान का प्रॉमिस, ये भगवान का पर्सनल इनविटेशन है. जस्ट बिफोर भगवान सेड द फेमस सरेंडर वर्स, अबैंडन ऑल वैरायटीज ऑफ रिलीजन, जस्ट सरेंडर अनटू मी, जस्ट उससे पहले की ये दो वर्सेस हैं. और भगवान अर्जुन को कह रहे हैं बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड. तो इस तरीके से अगर कोई डेवलप कर लेता है ऐसा अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर रिलेशनशिप विद भगवान, द संबंध ज्ञान, देन उनको अवेलेबल है भगवान के एश्योरेंस, भगवान के प्रॉमिस. उस पर फेथ रखते हुए वन हैज टू एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस. और कौन सी डिवोशनल सर्विसेज भगवान ने यह मेंशन की हैं? ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, वर्शिप मी, ऑफर योर होमेज अनटू मी. सिंपल चार बातें बोली हैं यहाँ पर. Execute devotional service, भगवान ने कहा. That will be very pleasing to भगवान. And what will be the award for that? Thus you will come to me. We will attain the Supreme Lord. We will attain the Supreme Abode. We will attain the pure devotional service. We will attain the perfection of life. और ये भगवान का promise है. So we need to have faith in words of भगवान. Hare Krishna. So, dear friends, let me check your comments. हमने आपसे question किया था, आपने लिखना था response. यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया है कि this is the message for the whole world. भगवान has given protection to the whole world. Why is it mentioned here? By simply giving his instructions to Arjun, he has given protection to whole world. Why is it stated this way? Who can explain that? Let me see. All right, let me see. Geeta ji, no problem with your spellings. Just I need to see your responses. Please go ahead. Don't worry about your spellings. As long as aapka message mujhe samajh mein aa jaye, your work is done. So, Mamta ji, Hare Krishna, Sapna Gupta ji, Geeta ji ka comment hai. What Bhagwan instructed to Arjun is a symbolic message to us all, and Bhagwan's
message is timeless beyond time and space. The message is that we should totally surrender to Him, trust Him, and with unflinching faith, pure bhakti, selfless devotional service, and do our duties. Yes, Geeta ji, thank you so much for your comment. Is anyone else sharing their thoughts or reflections? Please do that within next 1 minute. While मैं आपको थोड़ा और आइडिया देती हूँ इस वर्ष के बारे में. ये भगवान की मर्सी है, ये भगवान की अनुकंपा है कि उन्होंने अर्जुन को मैसेजेस दिए. अर्जुन, भगवान ने अर्जुन को अपना एसोसिएशन दिया. भगवान ने अर्जुन को जो इंस्ट्रक्शंस दिए उससे अर्जुन को मिले भगवान का प्रोटेक्शन मिला. अर्जुन डेवलप्ड फियरलेसनेस. अर्जुन केम आउट ऑफ हिज स्टेट ऑफ डिस्पेयर, कंफ्यूजन. अर्जुन वॉज वेरी वेरी इन अ स्टेट, ही वॉज अनेबल टू मेक द राइट चॉइस इन द बिगिनिंग, बट वेन ही सरेंडर टू भगवान, वेन ही सरेंडर्ड एट द लोटस फीट ऑफ भगवान, देन भगवान इम्पार्टेड टू हिम द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. भगवान गेव अर्जुन द यू नो बिग इनसाइट ऑन ऑल डिफरेंट इनडायरेक्ट पाथ्स ऑफ कमिंग टू भगवान, येट भगवान एक्सप्लेन टू हिम द इम्पॉर्टेंस ऑफ भक्ति योगा. भगवान एक्सप्लेन टू अर्जुन द होल क्रिएशन, हाउ वन कैन रियलाइज कृष्णा इन द क्रिएशन, येट हु इज वेरी डियर टू कृष्णा. भगवान ने ये भी अर्जुन को एक्सप्लेन कर दिया. एंड ये सब जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज एज लिविंग एंटिटीज वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ गुडनेस. As long as we are under the clutches of Maya, under the modes of ignorance, we are materially conditioned. We don't realize our constitutional position. तो भगवान ने जब अर्जुन को ये पूरी transcendental knowledge दी कि किस तरीके से living entity अपनी constitutional position realize कर सकता है, संबंध ज्ञान develop कर सकता है, our beautiful relationship with our supreme father Krishna, and that we are the eternal souls, and that once we come out of the state of misidentifying with the body, then what happens? We develop faith. We develop that strong faith that we have to engage in seva. We have to please Krishna. We have to fix our mind at the lotus feet of Krishna and engage in performing our duties. And this is how we will spiritualize our life. We'll make the right choices. And this is how we will seriously surrender at the lotus feet of Bhagwan. So that's why these instructions are very important. And kyunki Bhagwan ne Arjun ko instructions diye, aur jinhe hum easily ab shravan kar sakte hain, read kar sakte hain, unke bare mein we can glorify these instructions, we can glorify Bhagwan, we can glorify the shelter and protection of Bhagwan. So in this way we are getting protection. The whole world is getting protection. So I hope this helps everyone. Nidhi ji, aapka comment hai, we should always think of Krishna and become his devotee, worship Krishna, offer homage, and thus Krishna will make us his dear friend. That's fine. Aapne Bhagwan ke instructions kya hai is par comment kiya, that's very nice. But my question was, how is the whole world getting protection by these instructions of Bhagwan to Arjun, जिसको गीता जी ने आंसर दे दिया था और हमने भी फर्दर उसको एक्सप्लेन कर लिया. सो लेट्स गो टू वर्स नंबर 57-58. आज हमें करना है वर्स नंबर 60 तक, एंड देन वी विल डू द चैंटिंग ऑफ वन माला. ऑलराइट, वी जस्ट डिड एक्चुअली वर्स नंबर 58. नाउ वी आर कमिंग टू वर्स नंबर 59. Although Krishna previously explained the proficiency of executing Vedic rituals, performing fruitive activity as enjoined in the Vedas, practicing yoga and cultivating gyan, these last instructions are most powerful and stand above all others. So this further verse is in continuation to humne jo abhi abhi discuss kiya hai. These instructions are very powerful. Why? Because they talk about how one can surrender to Bhagwan by executing all these processes. And what are these processes? These are the bhakti processes. These are the processes of devotional service, and they are very powerful. Verse number 60. If the devotee has faith in the strength of this order,
He worships Lord Krishna and gives up all other activities. तो यहाँ पर clearly फिर से identified है importance of faith. श्रीला प्रभुपाद कहते थे कि blind faith नहीं होना चाहिए. We should ask questions. We should clarify all our doubts. And then by engaging in bhakti, we can develop stronger faith. And if a devotee has faith in the strength of this order, what is the order? The supreme order of supreme personality of Godhead, जो कि पीछे की verses में हमने अभी read किया. So by the strength of this order, one worships Lord Krishna and gives up all other activities. What are the other activities? हमने discuss किया था, in the six limbs of surrender, we have to reject all activities which are unfavorable to discharge of devotional service, which are unfavorable for spiritual advancement. So one has to give up those activities, but one has to develop faith by engaging in activities of processes of devotional service. So in this way, one can worship Bhagwan, one can please Bhagwan, and one can get protection of Bhagwan. Hari Bol. And so today's reading helps us really understand how on the path of surrender, on the path of bhakti, how we can develop that unshakable faith with the help of sadhu sangha, with the mercy of the pure devotee of Bhagwan, whose dust of his lotus feet we take on upon our head, meaning we follow their instructions with faith. Aur Srila Prabhupada, jo swayam pure soul hain, unke kya instructions hain hamare liye? He said we have to follow four regulative principles and chant minimum 16 mala of Hare Krishna Maha Mantra every day. So what are the four regulative principles? We discussed about it yesterday. Does anybody remember? Please mention in the comments. What are the four regulative principles we talked about? Gita ji, so profound teachings and instructions and so meaningful. Thank you. You're welcome. All right. I just wanted to see if anybody remembers what are the four regulative principles, so we can move forward after that. And while you are doing that, let me share again something with you which will really help everyone. So हम constantly five limbs of bhakti की भी बात करते हैं, which are the best of all, and even slight performance of these five limbs of bhakti awakens love for Krishna, right? And what are these five limbs of bhakti? Reading Srimad Bhagavatam, chanting the holy names, deity worship, serving the saintly, and residing in the holy dham, or you know, serving in a holy dham. तो उसके साथ हमारे वैष्णव आचार्य बताते हैं कि स्टिल जो नाम कीर्तन है, यानी हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग, इज डिस्क्राइब्ड एज द प्राइमरी प्रैक्टिस विधि फॉर ऑल द वैष्णवाज, वाइल ऑल अदर फोर, जो हमने अभी पांच लिस्ट किए उनमें से हरे कृष्ण महामंत्र सबसे प्राइम है, वाइल ऑल अदर फोर एग्जिस्ट टू सपोर्ट इट. एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग, द प्राइमरी पर्पज क्या है साधु संघ का? टू हियर how a sadhu sings the sacred names of Bhagwan with a loving heart, how he or she feelingly, knowledgeably engages in naam kirtan. This is what brings the all the devotees, all the practitioners to the stage of pure love. To ye hota hai sadhu sangha mein, you know, we do the shravanam and kirtanam, aur usme bhi जब हम श्रवण करते हैं ब्यूटिफुल होली नेम्स विथ स्ट्रॉन्ग फेथ, देन दैट फेथ डिसेंड्स फ्रॉम अवर ईयर्स टू अवर हार्ट. सो दिस इज हाउ प्रैक्टिशनर्स कैन कम टू द स्टेज ऑफ प्योर लव. इन फैक्ट नाम कीर्तन शुड बी कंसिडर्ड एज एन इम्प्लिसिट पार्ट ऑफ एंगेजिंग इन साधु संगा. बहुत इंपॉर्टेंट है हम ये इसको क्लियरली समझ लें कि साधु संगा में प्रजल्पा नहीं होता है. We don't talk about exam results of our children. We don't, you know, uselessly prajalpa topics, shopping, movies, इस तरीके के conversation नहीं होते हैं. We discuss name, form, activities, pastimes of Bhagwan.
and we discussed the practices or strategies how we can improve our seva, and we develop loving friendships. We do six kind of loving exchanges. So this is the central component of sadhu sangha. So scriptures ki teachings mein diya gaya hai ki jo saintly person hote hain, they think of Krishna 24 hours a day and they have no other interest. Why should people neglect the association of such exalted spiritual personalities and try to associate with materialists, taking shelter of non-devotees, most of whom are proud and rich? ये रेफरेंस है फ्रॉम श्रीमद् भागवतम की एक वर्स है कैंटो 10 में, चैप्टर 10 वर्स 18. तो इससे हमें पता चलता है कि जो सेंटली होते हैं उनके सिम्टम्स क्या होते हैं. बहुत ही पॉपुलर वर्स है कि द सिम्टम्स ऑफ अ साधु आर दैट ही इज टॉलरेंट, मर्सीफुल एंड फ्रेंडली टू ऑल लिविंग एंटिटीज, एंड ऑल हिज कैरेक्टरिस्टिक्स आर सब्लाइम. A sadhu is Suhrida Sarva Dehi Naam, the friend of everyone. Why then should be rich instead of associating with sadhus, waste their valuable time in association with other rich men who are averse to spiritual life? Both the poor man and the rich man can take advantage of Krishna consciousness movement, and here it is advised that everyone should do so. So there is no profit in avoiding the association of the members of Krishna consciousness movement. Aur Narottam Das Thakur ji ne iske bare mein explain kiya hai ki if we give up the association of sadhu, saintly persons engage in Krishna consciousness, and we then associate with the person seeking sense gratification and accumulating wealth for this purpose, our life is spoiled. Isliye bahut jyada stress hai, we should choose our association properly. So kyunki the word asat, you know, jo verse hai jo ye explain karti hai usme bataya gaya hai, asat ke karan, yani one who is not a devotee of Krishna, aur sat ka matlab hai vaishnav, Krishna devotee. So one should always seek association of Vaishnavas and not spoil one's life by mixing with a Vaishnavas. Therefore, one should not avoid the association of Vaishnavas, which is now available all over the world in the form of Krishna consciousness movement. And thanks to all social media, Zoom, jisme itna achhi tarah se, you know, we can have these live programs where we can associate and we can do Shravanam and Kirtanam. So, is tarike se gradually, you know, as we do all these different verses, we will develop an understanding how we can, develop a better understanding about the attachments in our life and how we can dovetail all our attachments and activities in the service of the Lord, क्योंकि ये सब part हैं इस process के, इस bhakti process के, जिसमें we are trying to seriously surrender at the lotus feet of Bhagwan. Hari Bol. So इसी के साथ आज हमारी चैतन्य चैतामित की reading यहाँ end होती है, और आप सभी के लिए एक छोटा सा question. Geeta Desha ji, you are writing about the four regulative principles. Avoid eating non-veg food, no intoxication. Meeru ji, all right. Aishwarya ji, Nidhi ji, let me see. Geeta Desha ji, no gambling, no alcohol. Nidhi ji, we get sadhu sangha only by mercy and grace of Krishna. Correct. All right. एक बार फिर से हम सबके साथ शेयर कर लें, what are the four regulative principles? आप में से कुछ लोगों ने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, but exactly what are four regulative principles? No meat eating, no illicit sex, no gambling, no intoxication. That's it. And then we chant 16 mala minimum Hare Krishna Maha Mantra. And Srila Prabhupada ji ne kaha hame count rakhna zaruri hai so that we know how much we are chanting. Hamare jo Vaishnava acharyas hain, unhone bhi hamesha
यही डायरेक्शंस दिए हैं, यही इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। सो डियर डिवोटीज, हरि बोल। ऑल राइट, सो आई थिंक आई शेयर्ड अ लॉट ऑफ टीचिंग्स फ्रॉम शीला प्रभुपाद टुडे एंड फ्रॉम चैतन्य चैतामृत। यू ऑल आर लोडेड राइट नाउ, प्लीज मेडिटेट ऑन इट, उस पर रिफ्लेक्ट करिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन आस्क मी एट दिस टाइम। आई एम चेकिंग योर कमेंट्स फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स और सो। इफ देर आर नो मोर क्वेश्चंस, वी विल स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र, हरि बोल। रत्नाकर जी, लॉर्ड कृष्णा नाम स्मरण, यस वी आर गोइंग टू डू हरे कृष्णा महामंत्र। उसके पहले हम चैंट करेंगे पंच तत्व मंत्र। हमारे जो डियर डिवोटीज हैं वो पंच तत्व मंत्र लिखेंगे कमेंट्स में, सो दैट जो न्यू व्यूअर्स हैं उन्हें पता चले पंच तत्व मंत्र क्या है। और पंच तत्व मंत्र से हमें प्रोटेक्शन मिलता है अगेंस्ट द अनइंटेंशनल ऑफेंसेस वी मे कमिट इन द लाइफ ऑफ भक्ति। एंड हमें मेडिटेट करना है ऑन द मीनिंग ऑफ द होली नेम। ऑल राइट डियर फ्रेंड्स, प्लीज चैंट, लेट्स चैंट टुगेदर। प्लीज लेट मी नो आफ्टर चैंटिंग हाउ यू फील आफ्टर चैंटिंग वन माला हरे कृष्णा महामंत्र। प्लीज शेयर योर थॉट्स इफ यू आर न्यू। गीता जी, एनलाइटनिंग सेशन, यू आर वेरी काइंड, यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू एंकरेज एवरीवन। निधि जी, पंच तत्व मंत्र के लिए धन्यवाद। ऑल राइट, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसदी गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा। डियर व्यूवर्स, जिन्होंने आज हमारे साथ चैट किया आप जरूर मेंशन करें हरि बोल। आई वुड लाइक टू सी हाउ मेनी ऑफ यू चैटेड विद अस एंड आल्सो अनुगर जी, थैंक यू सो मच अनुगर जी, यू आर ऑलवेज एंथुसियास्टिकली शेयरिंग विद अस राइट अवे एंड यू आर वेलकम। यू हैड अ ब्लिसफुल टाइम विद टीचिंग्स ऑफ भगवान।
टीचिंग्स फ्रॉम अवर वैष्णवाचार्यज। निधि गुप्ता जी, वनमाला आपने भी किया, वंडरफुल। रत्नाकर बुराते जी, हरे कृष्णा। आई विल वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स टू चेक अगर आप में से किसी ने भी एक्सप्रेस किया। इफ यू हैव चैंटेड विद अस, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ व्यूअर्स राइट नाउ, इट्स क्वाइट लेट, सो आई वुड बी एंडिंग दिस सेशन सून। हरी बोल। स्पेशल प्रेयर्स फॉर ऑल द सफरिंग सोल्स ड्यू टू कोविड। सभी के लिए 3 बार हरे कृष्णा महामंत्रा स्पेशल प्रेयर्स अभी हम कर रहे हैं। इसके अलावा हम करते हैं 2 बार चैंटिंग सेशन, जपा मेडिटेशन, प्रेयर्स फॉर एवरीवन, प्रेइंग टू भगवान इन दीज टाइम्स ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस। प्लीज ट्राई टू जॉइन अस। हमारा जो जूम कॉल है फॉर जपा मेडिटेशन, उसकी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन दिस पेज। सो वी डू इट वन फर्स्ट सेशन वी डू इट एट 5 AM इन द मॉर्निंग। बोथ दिस सेशंस आर फॉर 1 आवर। द सेकेंड सेशन इज एट 4:30 PM। बोथ द टाइम्स आर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स। सो प्लीज जॉइन अस इफ यू आर लुकिंग फॉर साधु संगा एज वी ऑल चैंट टुगेदर द होली नेम्स। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑल राइट डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ ये सेशन यहीं एंड होता है। Thank you for your participation. Have a wonderful, prayerful, grateful day or evening in Krishna consciousness. Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhagavat Pad ki jai, Anant Koti Vaishnav Vind ki jai, Hare Krishna Maha Mantra ki jai. Nitai Gaur Premanandi, Hari Hari Bol.